हरिओं नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्तो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ओम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। ओम मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। यही मंत्र महिमा कार्यक्रम भव्य परिसर को आपण मानक समस्त को मु स्वागत करुची प्रणाम करुची। आपण माने समस्ते मंत्र महिमा कार्यक्रम को अनुभव करुछंती संदर्शन करुछंती अनुभव रे मध्य आणुछंती मंत्रर ए महिमा को। कारण ये जदि महिमामय किसी थाए ये संसार रे जेभली महाप्रभु अखंड कोटि कैवल्य नाथ श्री जगन्नाथ तांकर महिमा किबा वर्णन वर्णना करि परिबो जेभली असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुर तरु वर शाखा लेखनी पत्र मुर्बी लिखति जदि गृहीत्वा शारदा सार्वकालम तदपि तव गुणानाम ईश पारंग न जाति। यदि समग्र नद नदी सिंधुर जल काली हुवंती यदि समग्र हिमालय हिमालय पर्वत यदि समग्र गिरि असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सुर तरुवर शाखा समस्त सुर तरुवर ये सब लेखनी हुवंती आउ लेखिका निजे शारदा हुवंती से कहउछंती तथापि तब गुणानाम एते महिमामय तुमर गुण को ईसपारम गोटे बिंदु मध्य आम लेखिपरबू ना ये महिमामय। आ मंत्र साहित्य से भली आम कृष्ण यजुर्वेदर गोटे भरद्वाज उपाख्यान रही उपाख्यान आम जानू मंत्रर केते व्यापकता केते विशालता। भरद्वाज नामक महर्षि से निजे किभली जीवन पर जीवन आकांक्षा करिछंती अपेक्षा करिछंती जीवन मध्य जो सीमित जीवन मध्य मुक अंश मुष्टिमेय अंश पढ़ी मत आहुरी शहे वर्ष जीवन दरकार तथा पुणी शहे वर्ष जीवन दिगला जिते बड़े जीवन पूर्णांग होची मत आहुरी सहस्र वर्ष जीवन दरकार कारण मुक अंश एक दशांश मध्य अध्ययन कर अर्थात अत्यंत व्यापक विशाल ये मंत्र साहित्य सुतराम तहार महिमा मध्य अत्यंत महनीय अत्यंत मधुमय। आमे से मर्मरे आज पहुँचे आज वैदिक सूक्त मध्य जो स्त्री सूक्त रही स्त्री सूक्तर अंतिम मंत्र षोडशत मंत्र तापर सबू आमर स्तुतिर आरंभ हो मंत्रर मंत्र पर तार पाठ स्तुतिर मध्य आरंभ होबे षोडश मंत्र पर्यंत साधनार विषय मान रही अच्छा पाठ स्तुति तापर आरंभ हो तेबे उक्त मंत्रे जो कहले उक्त मंत्रटी ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम प्रथमे मंत्रटी को पढ़ी रखिबा उक्त मंत्रटी से कहुछंती ओम यस्वचि प्रयतो भूत्वा जुहुयादाज्यमन्वहम् सूक्तं पञ्चदशर्चञ्च श्रीकामस्ततं जपेत। ओम आउ थरे मंत्रटी को पढ़ी रखिबा ओम यस्वचि प्रयतो भूत्वा जुहुयादाज्यमन्वहम् सूक्तं पञ्चदशर्चञ्च श्रीकामः सततं जपेत् हरिः। ओम
आनंद कर्दम चिक्लीत यह मंत्र द्रष्टा अनुष्टुप छंद श्रीयर देवता तेबे उक्त मंत्रटी होची पंदरतम मंत्र पर्यंत जो श्री सूक्त तार अव्यवहित परमंत्र मंत्र रे कुहा जाउची किभली आमे से परम वंदनिया परम कल्याणमयी परम वात्सल्यमयी महालक्ष्मींकर आहुति इत्यादि द्वारा ध्यान स्तव पूजा इत्यादि द्वारा मंत्र पंचदश मंत्र समन्वित एक सूक्तर पाठ परे आमे आराधना करिबा आपण माने जानंती आमे महालक्ष्मींकर अनुभव वैष्णव शास्त्र मानकर बड़ सुंदर भाव रे कहा गला से आमर जीवन प्रत्येकटी पर्व रे प्रत्येकटी बिंदु रे उपस्थिता किभली ना बक्राब जे भाग्य लक्ष्मी ही मोर वक्त्र रे मुखमंडल रे से भाग्य लक्ष्मी भाव रे मध्य रही अछंत वक्त्राब जे भाग्य लक्ष्मी ही तापरे करतल कमले सर्वदा दान लक्ष्मी आ कर रे सर्वदा दान लक्ष्मी भाव रे रही अछंत आ रुहंतु मध्य ये कर बा हातर सिद्धि सेते बेले हव दाने न पानी ततु कंकणे न खाली कंकण चंदन आबोल हो गले बा कंकण युक्त हो गले ये करर सिद्धि नाही अपितु दान द्वारा ये करर बा कर रूपक अंगर सिद्धि तेणु कर तल कमले सर्वदा दान लक्ष्मी तापर कहउछंती दोर्दंडे वीर लक्ष्मी मोर दोर्दंड रे भुजदंड रे ते वीर भाव रे रुहंतु वीर अर्थात जो सौर्य वीर्य प्रदान कर्त्री जहाँ को सूर्या बोली कहा जाइला जहाँ को अत्यंत चंद्राम बोली भाव संबोधन करी लक्ष्मी मोर दोर्दंड रे भुजदंड रे वीर भाव रुहंतु हृदय सरसी जे भूतकारुण्य लक्ष्मी आम हृत्पद्म से कारुण्य करुणार अवतार नहीं अन्य प्रति करुणार मूर्ति हो लक्ष्मी स्वरूप चीर निवास करंतु तापर कहउछंती खड्गाग्रे सौर्य लक्ष्मी ही क्षत्रिय मानंकर जो माने ये निजर ये समग्र जातिर रक्षा करिवारे व्रती सेमानकर खड्गर अग्रभाग रे सौर्य लक्ष्मी सूरत्व वीरत्व को प्रतिपादन करी वीर पुंगवत्व को प्रतिपादन करी निजर अंगीकार स्वीकार करंतु खड्गाग्रे सौर्य लक्ष्मी ही निखिल गुण गुणा दम्बरे कीर्ति लक्ष्मी ही आ निखिल गुणर आडंबर रे निखिल गुणराज रे से कीर्ति युक्ता हुई रुहंतु कारण जहार कीर्ति रहिला ये श्रीयुक्त हुई था तेणु इति कहले कीर्ति युक्ता लक्ष्मी तुम्हें साक्षात अतः तुम्हें मध्य कीर्ति युक्ता हई रुह सर्वांगे कहते ना समस्त अंगरे महालक्ष्मींकर दिव्य अवस्थान को अवस्थिति को इति वैष्णवगण प्रतिटि अंगरे प्रतिटि मुहूर्त रे प्रतिटि पर्व रे अपेक्षा रखिछंति कहले सर्वांगे सौम्य लक्ष्मी ही मयितु विजयता सर्वसामान्य लक्ष्मी मोर सर्वांगरे मोर प्रत्येकटी निश्वास रे हे लक्ष्मी तुम्हें सौम्य भाव रे रुह से सौम्य शांत कांत दांत हे रुह आउ मयितु विजयता सर्वसामान्य लक्ष्मी ही आउ सर्वत्र तुम्हें सामान्य होई असामान्य रूप को गुप्त करी सामान्य होई मोर पाखरे तुम्हें रुह एभली प्रार्थना को जोठी आम देखू महालक्ष्मींकर ये जो अद्भुत तांकर गुणराजि अद्भुत तांकर जो दैवी गुण तम वैष्णवी शक्तिरनंत वीर्ज्या विश्वस्य बीजम परमासी माया तुम्हें माया हो पार तुम्हें विश्वर बीज हो पार किंतु इति गोटे सामान्य भक्त पाई तुम्हें तार मातृतत्व सकल मातृतत्व तुम्हें उत्स समग्र मातृतत्व तुम ठारू ही प्रवाहित अतः इति कहगला ये जो वैदिक सूक्त रे आम पंदर गोटी मंत्र पढ़िले तार किभली अखंड प्रभाव तार फल कौन रही आ मंत्र को किभली प्रयोग करे से कथाटी उक्त मंत्र कहगला कौन
किभली आम प्रयोग करवा महालक्ष्मी जगतर परिदात्री हो पारती से लक्ष्मी नारायण से सहधर्मिणी हो पारती किंतु वैदिक चिंतन से हूँ चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मी आर्द्राम यस्करिणी यस्तिम आदित्यवर्णे तपसोधिजातु अर्थात जगतर प्रति कोणानुकोण रे जेते वनस्पति जेते औषधि जेते महौषधि रही तार मूल से महालक्ष्मी से ब्रह्म सत्तार मूल से ही महालक्ष्मी दिव्य चेतनार प्रभाव मूल से ही महालक्ष्मी अर्थात महालक्ष्मी को ये वैदिक महर्षि गण ये सुक्त सुक्तावली मध्य प्रत्येकटी शब्दर व्यंजनारे अनुभव करिछन्ति तेणु आम सुक्तटी अध्ययन पर किभली तार प्रयोग करिबा से कहउछन्ति जह सुचि प्रयतो भूत्वा जे सुचि हे पवित्रतांत करण हे कारण ये पंदर गोटी महालक्ष्मी संबंध मंत्र पढ़ला परे आउ असुचिर तो प्रश्न रहिबो नाही यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् बोले आपण माने जानंती आउ या आमे जतले आकर व्याख्यान सह भाष्यार्थ सहित एते गुडे गुणराज रे तर्जमा कले आउ असुचि रहिबो प्रश्न उठुनी तेणु सुचि हे पवित्रतम हे अपहत पापमा हो कौन करिवे जुहुयादा जमन्वहम जो जो प्रयोग मान आम आलोचना कले से ही प्रयोग को आधार करी यदि आपण माने तार सांग उपांग कर्म गुड़िक करिवे अथवा ये मंत्र रे पंदर गोटी मंत्र रे यदि आज्य होम करिवे जुहुयात आज्यम अन्वहम पंदर गोटी मंत्र द्वारा घृतादि घृत इत्यादि द्वारा यदि हवन कले त्रियम पंचदशर्चंच तेबे त्रियंक अर्थात स्त्रीक उपरे भगवतींक उपरे आधारित होइतिबा ए पंदर गोटी मंत्र द्वारा यदि आपण घृतरे तिलरे तरुरे इसबु आमर जाग्निक संभार मान रही अछन्ति जाग्निक संभार द्वारा आहुति प्रदान कले वेदज्ञ ब्राह्मण मान को डाकी सेमानक द्वारा यदि आहुति प्रदान कले तेबे श्रीकाम सततम जपेत जो माने लक्ष्मी प्राप्ति पाई इच्छा रखती लक्ष्मी प्राप्ति पाई इच्छा एटा गोटे स्वाभाविक कथा कारण जहार पदवंदन करती निजे साक्षात विष्णु जहांकर जहांकर ठारु तिले माने गोटे निमेश मध्य विच्युत हुवंतना विष्णु आ सीए जहाँ को अर्चना करती सीए जहाँ को पूजा करती ताकु पाइबार अभिलाषा कहा मनरे नथिबो आमे तो जागतिक भाव पाइबा पे इच्छा करू धन ऐश्वर्य इत्यादि किंतु आमको सी जो शाश्वत आनंद यत्प्राप्य न अप्राप्य निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह जहाँ को पाइगला जो स्थल कथा आमर मन वाचा आम करना से भली स्थान को आमको जी दे पारती से हूँ महालक्ष्मी जस्याह वीक्ष मुखम तदंगिन पराधीनो विधत्ते खिलम जहार मुख को देखी जहार अधीन होई जहार इंगित रे ये अखिल विश्व को जे परिपालन करती यदि न दयिष्यसे जदि कहुचंती मध्य निजे विष्णु जदि हे भगवती यदि तुम्हें दयापरायण न हेल तरी मम स्थिति दयनीय भविष्यति मोर स्थिति ये समाज रे ये समग्र विश्व रे दयनीय हेबो कारण प्रकृति की छाड़ी पुरुषर सत्ता नहीं पुरुष को छाड़ी प्रकृतिर सत्ता नहीं शक्ति शिव शक्त्याजुक्त जदि भवति शक्त प्रभवितुम न चे देवम देवो न खलु कुशल स्पंदितुमपि यदि आम शक्ति आधार बा आराधना न करिबा आम स्पंदन मध्य करिपरिबा नहीं अतस्त्वांग आराध्याम हरिहर विरंच्यादिभिरपि तेणु हे भगवती हे शक्ति तुमको केवल मु नुह ये शंकराचार्य कहते केवल मु तुमको आराधना करूनी हरिहर विरंची प्रभृति तुमको मध्य आराधना करती तुमर दिव्य आशीष कृपालोचन जहाँ उपर थरे पड़ी जाइछि तुम्हें अनपगामिनी हो जाइछ जेउठी ये ही कृतपुण्य होई तुमको प्रतिटि स्तर रे अनुभव रे आनिबो जीवन रा प्रतिटि निश्वास रे हे भगवती तुमको अनुभव रे आनिबो
तेणु ये गोटे दिव्य उच्छ्वास को जन्म दौची। कारण वैष्णव शास्त्र मानक मतरे महालक्ष्मी जहाँ ठारू गोटे क्षण मध्य विच्युति हो नहांती भगवान विष्णु आउ जहाँ दिव्य कृपा बलर इंगितरे मुखर मुखावलोकन देखी मुखर निस्तृत जो तेजपुंज तार प्रभारे आभारे भगवान विष्णु कौन करती ना ये संसार को पालन करती। संसार को पालन करता जीए जिते बारे सीए निजे विच्युत हो नहांती आमे तो आम मान को कथा प्रति क्षण प्रति मुहूर्त आम तर पदद्वंद वंदन करवा करूछे करवा उचित तेब यही मर्म ये कहगला जदि ये उपरोक्त पंदर गोटी मंत्र द्वारा आपण पवित्रता है पवित्रतांतकरण है घृत इत्यादि द्रव्य द्वारा यार यथोचित शास्त्र विहित हवन अर्चन वंदन इत्यादि समापन कले जुहुयादाज्यमन्वहम हवन इत्यादि समापन कले कहा द्वारा ना श्रियं पंचदशर्तंच ये पंचदश ऋख ऋचार समूह मानक द्वारा उद्घोषण रे यदि हवन इत्यादि समापन कले श्रीकाम सततं जपेत ये श्रीकामी ये धन ऐश्वर्य प्रभूत भाव रे कामना करती भगवतींकर दिव्य आशीष दिव्य कृपा कटाक्ष जे कामना करती से माने ये मंत्र को कामना करी बा मंत्र को पाठ करी मंत्र अर्थ को जानी यदि आराधना करिवे होम इत्यादि करिवे तेबे से माने विद्या अतुलित सुवर्ण धन पुत्र पौत्र दास दासी अजस्र गो संपद पशु संपद इत्यादि को प्राप्ति हेबे एवं तंकर समस्त मनोरथ परिपूर्ण हेबो। तेणु से स्त्री सूक्तटी श्रेय प्राप्ति आउ प्रेय प्राप्ति उभयविध तत्व को मध्य प्रदान करिवारे समर्थ आउ अन्य सूक्त मानक ठारू वैदिक सूक्त मंडल रे ये स्त्री सूक्त गोटे स्वतंत्रता रही अर्थात ऐहिक आमुष्मिक माने पारलौकिक फल प्रदान मध्य ये जो स्त्री सूक्तटे गोटे स्वतंत्रता रही तेणु जतेबले भगवती लक्ष्मी माँ लक्ष्मी अर्चना वंदना आम करू अत्यंत पवित्रतार सह करू आम घरे माँ मान अत्यंत पवित्रतार सहित विशेषतः गुरुवार यदि आम माँ पढ़ू आपण मान अभिभूत हे आम मानक ओडिया घरे महालक्ष्मी यह पूजा अन्यत्र देखिपारे ना अत्यंत पवित्रतार सहित चिता चाउल चूनारे जो चिता करी ताकु आवाहन आवाहनी डाकवा लक्ष्मी पाद पड़ किभली शास्त्रीयता तन्मध्य रही देखु गोमय लेपन हेब भूमि संशोधिता हेले जी भूमि अधिष्ठात्री आवाहन करोमित गोमय लिपिता से जो भूमि धरा धरित्री से मध्य पवित्रता हेले कंटक विमुक्ता हेले आई भूमि उपरे अपूर्व चिता महालक्ष्मी पदचिह्नर अपूर्व दिव्य संकेत आते चिंतन मध्य थाए गोबर दि जाइए पुष्प दि जाइए महालक्ष्मी सतेज भाई आगमनी हो आगमनी वार्ता को आमर ओडिया घर माँ मैने भौणी मैने तिल तिल कर अनुभव करती प्रति गुरुवार माँ मान व्रत वाकर जो से दिन जो उपवास तार तो पटातर ना सुतरा महालक्ष्मी को ये जाति अनुभव करजर जे कि जड़े कि निजर भगवती भाव आम तो स्वाभाविक भाव देव आराधना करू किंतु तन्मध्य महालक्ष्मी का प्रति ये भक्ति भाव ये त्याग भाव ये सबगुड़िक आमको शिखाई थाए महालक्ष्मी होती आमर निजर के ही जड़े जीए डाकिला मात्रे ओ करती आपण मैंने देखी थे महालक्ष्मी ये अद्भुत लीला रथजात्रार पुण्य अवसर रे नीलाद्री विजयर पवित्र पर्व जोठी निजे गजपति पुत्र साजी लक्ष्मी आउ नारायण उभयंकर भेट कराती सी मध्य विरक्त हुवंती सी मध्य विरह विधौता हुवंती सी मध्य आनमना हुवंती अभिमान करती सेपटे गईंठाला खोली रथिला सेपटे महालक्ष्मी एकुटिया अछंती सेपटे निज भगिनी की धरी बड़ भाई की धरी महाप्रभु गले जात्रा रे सुतरांग विरक्त हवाटा स्वाभाविक एणु
ये जाति महालक्ष्मी की गोटे निजर भाव में गढ़ी तोली मो परिवार सते मोर निजर के ही जगी रखी मत काया छाया प्रतिदिन मुहूर्त निजर दिव्य आशीषर आबोली द्वारा आशीषर से जो मंदाकिनी द्वारा मोर कौन सी असुविधा हाँप देवना कथा को मर्मे मर्मे अनुभव करी ये जाति सुतराम ये सूक्त से कथा कहगला जेपर्यंत आम उद्बुद्ध होता तल्लीन होता सहित एक एका एकीभूत होवार चिंता आम मन को जाग्रत करूना से पर्यंत आम मानकर परिवार रे आम मानकर परिवेश रे निज घरे दुख रहिबना ए मंत्रर मध्ये गोटे स्वतंत्र प्रयोग रही प्रतिनित्य ए एक रु ए मंत्र प्रथम मंत्र रु ए मंत्र पर्यंत पाठ होवा दरकार आ ए मंत्र उक्त मंत्रर प्रयोग 10,000 थर पाठ प्रातः आउ संध्या सायान्धरे नियतरे बा प्रति नित्य थरे केरे आपण माने 400 थर पाठ करी परिवे शुक्ल पक्षर द्वितीयारे प्रयोग आरंभ करिवे आउ पाठ पूर्ण परे ब्राह्मण मानक द्वारा पाठ करी घी बिल्व समिध इत्यादि द्वारा हवन करिवे तार दशांश होम तर्पण मार्जन इत्यादि करी यदि शास्त्रीय नियम अनुसार प्रयोगटी करिवे आपण मानकर लक्ष्मी प्राप्ति हेबे जहाँ मनोरथ अभिलाषित पदार्थ से सब गुड़िक आपण द्वारा प्राप्ति हेबे एबे आउ थरे मंत्रटी को पढ़ी देवा ओम यस्तु चिप्रयतो भूत्वा जुहुयादाज्यमन्वहम् सूक्तं पञ्चदशर्तञ्च श्रीकामः सततं जपेत् हरि ओम हरि ओम। एठी वाणी की विराम दवा आगामी अध्याय रे आहुरी विशिष्ट विशिष्ट मंत्र मान को नहीं आमे आपणकर सम्मुख रे उपस्थित हेबू से पर्यंत ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। प्रार्थना आमो आनंदर उत्स।